मेरा नाम राहुल भारद्वाज है और मेरे साथ मेरे कलीग हैं मिस्टर राहुल कुमार ठाकुर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं प्रॉप एनालिसिस के बारे में। जैसे प्रॉप एनालिसिस अगर आप समझ रहे हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रॉपर्टी है और दूसरा हमारा एनालिसिस है। तो एनालिसिस मतलब रिसर्च। तो इसमें हम लोग पूरा रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ जो जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो जो सेगमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर हम लोग काम करते हैं। हम बिल्डर, अपने चैनल पार्टनर्स और जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और एक मीडिया का सपोर्ट देते हैं, जिसमें हम लोग बिल्डर के लिए लाइव रिकॉर्डिंग है, एनालिसिस है, प्रोजेक्ट्स के रिव्यूज़ हैं, उनकी पूरे प्रोजेक्ट्स की शूटिंग्स वगैरह हैं, ये सारी एक्टिविटी करते हैं। और डिफरेंट जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं उनका यूज़ करते हैं और उन पर वीडियोज़ के माध्यम से इनको आगे पहुँचाते हैं, ताकि जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं अगर उनकी कुछ क्वेरीज हैं उस प्रोजेक्ट को लेके, या मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नई नई हैपनिंग्स हो रही हैं, वो अपडेट्स उन लोगों को मिलते रहे, उन तक पहुंचते रहे। तो हमारा इसी का ही एक पार्ट है प्रगति, जिसका पूरा आपको राहुल ठाकुर जी बताएंगे। और इसी के अंदर जो हमारा सेशन आज का है वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट का पार्ट है, वो हम उसके अंदर लेंगे। प्रगति का हमारा सेगमेंट एक वर्टिकल है प्रॉप एनालिसिस के अंदर, जिसमें कि हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का पार्ट कवर करते हैं। जो मिस्टर जेपी सर है, ही इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 21 इयर्स, 21 साल का एक्सपीरियंस है उनका। ही विल टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड स्किल डेवलपमेंट सेशन, है ना। और प्रगति जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, जो वर्टिकल है, उसमें हम लोग प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर द ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा प्रगति का। इसमें हम लोग एक एसोसिएशन बना रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें कि आप जैसे प्रोफेशनल्स और दूसरे जितने भी वर्टिकल्स हैं, जिसमें आपका बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उनका एक एसोसिएशन हम बना रहे हैं, जिसमें कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं ड्यू टू डेवलपर साइड से, कस्टमर्स के साइड से, उसको टेक केयर करेंगे, है ना। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हम आपको लेकर आएंगे। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं इन्वाइट करूँगा जेपी सर का। जेपी सर ने पिछले 21 सालों में काफ़ी सारी कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर काम करा हुआ है और लगभग 89 कंट्रीज में इन्होंने प्रोजेक्ट्स को टेक केयर किया हुआ है और एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं। लगभग 8 से 10 साल इन्होंने एजुकेशन के ऊपर काफ़ी अच्छी खासी रिसर्च करी है। तो हमारे सेशंस और भी होते रहे हैं, तो एक छोटा सा हम आपके लिए लेके आए हैं, उससे शुरू करते हैं। सो हाउ इज द जोश? हाई सर। हाउ इज द जोश? हाई सर। दैट्स इट। तो देखिए, मैं कोई जोश बढ़ाने वाली मशीन नहीं है, पर बचपन से जब से मैंने अपनी साइकिल चलानी सीखी, मुझसे लोगों ने कहा कि तुम स्कूटर नहीं चला पाओगे। मैंने स्कूटर चलाना सीखा, उन्होंने कहा तुम कार नहीं चला पाओगे। मैंने कार चलानी सीखी, तो उन्होंने कहा तुम फ्लाई नहीं कर पाओगे। तो दुनिया मुझसे हर स्टेज पे कहती है तुम नहीं कर पाओगे। अब मैं अपने आपसे सिर्फ यही कहता हूं, करके देखते हैं ना, कोशिश करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट 35 मिनट्स आप मेरे साथ हैं, आज हम सिर्फ कोशिश करके देखेंगे। तो पूरी मूवी का जो ये सीन है, मैं वहां पे आपको लेके जाता हूं। जो फर्स्ट ओपनिंग सीन है मूवी का, वो क्या है? देखी किसी ने मूवी? देखी किसी और ने ओरी मूवी देखी है विकी कौशल की? नहीं देखी आप लोगों ने? आपको बताता हूं, ओपनिंग सीन है ये हमारी लाइफ का भी ओपनिंग सीन है कि मणिपुर की एक डिस्ट्रिक्ट है चंदे, वहां पे एक आर्मी का एक ट्रक जा रहा है और इसके ऊपर अटैक होता है। उस सीन का यहां रेफरेंस क्या है? क्योंकि उस सड़क पे मैं बाइक चला चुका हूं, मैंने उस हालात को जिया है, मैंने कश्मीर की उन सड़कों पे कर्फ्यू लगे हुए, पीछे मैगजीन लगी हुई मशीन गन के साथ ड्राइव किया है, मैंने किया है, मैं पीछे नहीं आता। मैंने नाइजीरिया में कालों के साथ काम किया है, मैंने जोहान्सबर्ग में जहां सोने के पहाड़ खड़े हुए हैं उनके बगल में खड़े होकर दोस्ती करी है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब मैं आपके बीच यहां पर हूं तो हम कर सकते हैं। बगल में कितनी अच्छी प्रॉपर्टी खड़ी हुई है, महसूस करके देखिए, आज एक ट्रक है,
मेरे दोस्तों, सेल्स को डिफाइन करने से पहले उसके चार अक्षरों को समझना बहुत जरूरी है, और अगर आप इसके बीच में, इसकी डेप्थ में नहीं गए, तो जो पहला अक्षर है एस स्किल, अ मैन विदाउट स्किल एनहांसमेंट इज किलिंग हिमसेल्फ। हम सब जी रहे हैं बट विद द सेम स्किल सेट ओवर द ओवर इयर्स, अगेन 10 साल बाद भी उसी स्किल के साथ जब नई क्रॉप आ रही है। आज मैं 21 साल के 5 लड़कों को यहां लाके खड़ा कर दूं जो न्यू रिक्रूट्स होंगे। अभी सर से मेरी बात हो रही थी, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वंडरफुल प्रोजेक्ट, क्या नहीं है इस प्रोजेक्ट में। हमारा सिर्फ माइंडसेट है, हमारी स्किल्स हैं जो हमसे कह रही हैं, वहीं पर आप इस स्किल को एनहांस कर दीजिए और ए पे जाइए। एक्सेप्ट करिए दैट यू नीड टू एनहांस योर माइंडसेट। हमें अपनी सोच को, उस बैरियर को तोड़ के आगे जाना है और बोलना है हो सकता है करूंगा। मुझसे बोला था साइकिल नहीं चला पाओगे, पहली बार चलाई अंगूठा टूट गया था। मुझसे क्या था, मैं बहुत मध्यम वर्ग के परिवार से आता हूं, मुझसे कहा था तुम टीचर हो, मैं IBM छोड़कर आया हूं, जहां जाने के लिए लोग तरसते हैं मैं छोड़कर आया हूं, मैं लेता हूं और छोड़ता हूं और आगे बढ़ता हूं। मैं आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, लर्न पे जाइए। सेल्स का तीसरा अक्षर है L, लर्न। आर यू रेडी टू लर्न? क्या आप अपने आप को खोलने के लिए तैयार हैं? किताब खोलिए, साथ में मिलकर बैठ के पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे नहीं प्लॉट बिकते हैं, कैसे 30 लाख 35 लाख का नहीं बिकेगा। सोच बदलिए, 30 से 25 जाने की जगह 32 सोचिए और सोचिए कि मेरा मार्क मार्जिन कैसे बढ़ने वाला है। यही बिकेगा और यही बिकेगा और आप ही बेचेंगे। दोस्तों, मुझसे बहुत बार कहा गया दुनिया में नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, गुड़गांव में होता होगा, न्यूयॉर्क में इससे महंगी प्रॉपर्टी बिकती है। आप मेरे मेरठ में, नोएडा में आइए, इससे बढ़िया प्रॉपर्टी बिक रही है, इससे घटिया प्रॉपर्टी बेच रहे हैं लोग। मैं तो इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती देख रहा था, मैं तो इसके बगल में स्विमिंग पूल देख रहा था, मैं तो खुद को यह बता रहा था कि मुझे बेचने का मौका तो मिले और वो मैं आपके साथ करने आया। देखिए, एक सिंपल सा चैलेंज है लाइफ, तो उसको आते ही एनेबल करना। ये चार अक्षर पे आप गौर कर लीजिए भाई साहब। स्किल, इफ यू आर नॉट एनहेंसिंग इट, इट इज किलिंग यू। एनी वन फॉर अस, हम में से कोई भी यहां पर अगर अपनी स्किल सेट को सवेरे उठ के अपने आप से एक प्रश्न नहीं कर रहा है कि आज मैं ऐसा क्या करने वाला हूं जो मेरी जिंदगी बदल देगा, आपने अपने आप से खुद से अगर पूछना छोड़ दिया है, इट्स नॉट हैपनिंग। 5 साल बाद भी सोच नहीं बदल, एंड दैट विल हैपन विद SALE, स्किल, एक्सेप्ट, लर्न एंड इनेबल योर सेल्फ। करके देखिए, मैं अचीव करके देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, बहुत सिंपल है। अंग्रेज जिनके साथ मैं 8 साल काम करके आया, वो सिर्फ एक काम पे, उनकी सोच सिर्फ इतनी है, हमारे और उनके बीच में जो इकोनॉमिकल डिवाइड है उसके बीच में बस ये तीर, आपको यहां पे अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, मुझे तीर दिखाई दे रहे हैं। गौर से देखिएगा, यहां मुझे कौन बताएगा कि क्या है ये तीर, क्या कह रहे हैं? स्टेप वन है, इनिशियल कॉन्टेक्ट है, आप अक्षर देख रहे हैं, मैं अक्षर नहीं देखता, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि यहां पे ये तीर है। गौर से देखिएगा, ये तीर आप कहते हैं प्रोसेस। सवेरे आपको उठना है, अपने आप से पूछना है कि मैं पहला शब्द ऐसा क्या बोलूंगा कि मेरा क्लाइंट मेरी तरफ देखेगा। द इनिशियल कॉन्टेक्ट, द रेपो बिल्डिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, द इनिशियल कॉन्टेक्ट इज क्लियरली सेइंग आपकी अप्रोच क्या है। मैं पीछे बैठ के सुन रहा था,
और गौर कर रहा था, एक खूबसूरत बिल्डिंग, एक खूबसूरत आने वाले 5 साल, बहुत अच्छे लोग, सोच क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सोच ये है कि यहां पे क्वालिटी होनी चाहिए, हम क्वालिटी दे रहे हैं, हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मगर हमने ये सोचा कि नहीं, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे तो क्वालिटी पे ही कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। नो, इन 2030 में ये सेगमेंट $1 trillion का होने वाला है, प्रॉपर्टी सेगमेंट इन इंडिया। आपका शेयर क्या होगा 2030 में? इंडिया यंगेस्ट इकोनॉमी, सेकंड लीडिंग इकोनॉमी अमेरिका से आगे निकलने वाली है। आपका शेयर क्या होगा उसमें से? आप अपने परिवार के लिए क्या लेके जाने वाले? बस मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। ये जो तीर जाता है ना, गौर करिएगा, ये जो तीर गिर जाता है इसे कहते हैं प्रोसेस। ये आपने फॉलो नहीं किया तो जो $1 trillion है ना, उसमें से हमारा शेयर कम हो जाएगा। ये जो जितने भी 100-200 फ्लैट हैं, उसमें से मैं सिर्फ एक आधा बेच पाऊंगा, और अगर सेल्समैन होने के बाद बेच नहीं पाए तो फिर डाउट तो अपने आप पर है ना। प्रोजेक्ट पर डाउट नहीं है, डाउट अपनी काफियत पे है, क्योंकि हमने अपने स्किल एनहेंसमेंट के ऊपर काम करना बंद कर दिया है। मुझसे बहुत बार कहा गया कि मैं हारूंगा, मुझसे आज भी दुनिया बोलती है मैं हार जाऊंगा, मैं बस मुस्कुरा के बोलता हूं और कहता हूं चलो ठीक है, 6 महीने बाद बात करेंगे। यह ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो बगल पे बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसको हम साथ में मिलकर बेच सकते हैं। कैसे? इनिशियल कॉन्टेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड द राइट अप्रोच। रैपो बिल्डिंग, ये कोई कहने वाली बातें नहीं है, यही वो चीज है जो क्वालिटी लेकर आती है। और अगर हम क्वालिटी से ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सोचिएगा, मन में एक प्रश्न आना चाहिए, यार 75,000 मेरे पास एक फ्लैट से आ रहे हैं, मैं 10 बेचूंगा 7.5 लाख, खत्म कहानी। मैं 3 थाईलैंड ट्रिप मारूंगा, निगोशिएट करूंगा, मुझे 3 थाईलैंड ट्रिप चाहिए, और थाईलैंड नहीं दे रहे तो मेरे को न्यूयॉर्क दे दो। मेरी सोच कहती है मैं 10 फ्लैट निकालूंगा यहां से। कैसे निकालूंगा? प्रोसेस फॉलो करूंगा। अभी मैं आ रहा हूं, अभी मैं आने वाले स्लाइड पे आ रहा हूं। फैक्ट फाइंडिंग, ये फैक्ट फाइंडिंग क्या है? प्रोसेस गैप मत करिएगा, क्वेश्चनिंग नीड्स। वो जो सामने वाली फैमिली है, जो मेरा क्लाइंट है, उसकी नीड्स को क्वेश्चन करिए, बजाय ये बताने के कि प्रोजेक्ट में क्या है उसको क्या चाहिए। हर ऐरे गहरे नथु गहरे को हम नहीं बेचने वाले, ये प्रोजेक्ट उनके लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए है जिसको क्वालिटी चाहिए और मैं उसको दे रहा हूं। और कितना प्यारा सामने स्विमिंग पूल है, आई एम सरप्राइज्ड, इतनी प्यारी कम स्पेस में इतनी वंडरफुल आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। थर्ड इज सॉल्यूशन, प्लीज अंडरस्टैंड, फैक्ट पेंडिंग के बाद आपको सॉल्यूशनिंग करना चाहिए। उसकी नीड्स क्या थी? मैचिंग नीड्स, डिलीवरी मॉडल पे होमवर्क चालू होना चाहिए, नोट्स बनने चाहिए, ये मेरा क्लाइंट है, हट, 10 में से बात करी, हट कट कट, पीछे हट जाइए, नहीं बात करनी, मेरा फोकस एक पर्टिकुलर क्लाइंट पे है। अभी आपके दिमाग में उस आदमी का नाम आना चाहिए जिसको मैं पहला फ्लैट निकालने वाला हूं। मैचिंग नीड्स एंड चेकिंग, वे करिए अपने ऑप्शंस। और लास्ट पे मैं डिटेल में बात करूंगा, क्लोज। मेरा आज का टारगेट, मैं सारी स्किल सेट पे आपकी एनहेंस नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक लास्ट सेगमेंट पे बात करूंगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मुझे डील क्लोज करनी है। और उसके लिए लास्ट मेरा पार्ट है निगोशिएशन, हम आज इस पे खुल के बात करेंगे। ये वो व्यक्ति है जिसको आप सब मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, इनके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, हर आदमी इनका नाम लेके कुछ ना कुछ मोटिवेशन पाता है। मैं सिर्फ इनको एक बार एक अच्छे सेल्समैन की तरह याद कर लेता हूं।
मैंने अपना मास्टर्स हिस्ट्री में किया, इकोनॉमिक्स में किया, तब मुझे कुछ पर्सनैलिटीज ने जिन्होंने इंस्पायर किया, और जब से मैं सेल्स के सेगमेंट में आया तो मुझे सिर्फ एक आदमी इस काबिल नजर आया जो मुझे दिशा निर्देश देता हुआ दिखाई दिया, और उसने मुझे बताया स्किल्स एनहेंसमेंट इन यू मैनेजमेंट, इन यू, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस रूम, मेरे लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं यहां पर, आपका मैनेजमेंट कैसे हो, आप क्या करने वाले हैं कल सवेरे उठ के फ्रेश माइंड से, ये कुछ शब्द लिखे हुए उनको गौर से देख लीजिए और उनकी डेप्थ में उतरना चालू कर दीजिए। When you say sales etiquettes, this is the most wonderful platform. Salesman होना अपने आप में दुनिया की सबसे काबिले तारीफ बात है। हम बेचते हैं, हम कुछ भी बेच सकते हैं, वो स्किल सेट है हमारे अंदर कि हम बोलो तो सही क्या बेचना है, बट प्रोसेस फॉलो करेंगे। प्रोसेस में जब गैप्स आ जाएंगे, अगर आपने उन तीरों को भूल गए, इनिशियल कॉन्टेक्ट, फैक्ट फाइंडिंग, सॉल्यूशनिंग एंड क्लोज, अगर ये आपके दिमाग में नहीं चल रहा है सामने वाले से बात करते वक्त, अगर आपने ये प्रोसेस फ्लो गैप कर दिया, कहीं ना कहीं चोट होने वाली है, आपके हाथ से एक फ्लैट निकलने वाला है, और मेरे लिए वो टोटल लॉस 1,00,000 का है। इसको मत भूलिएगा, प्लीज इस प्रोसेस फ्लो को, इस तीर को अपने दिमाग में डाल दीजिएगा। क्लाइंट को फर्स्ट टाइम जैसे ही आप पकड़े, वहां से ये प्रोसेस दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, सेल्स एटिकेट्स, क्या मैं सेल्स एटिकेट्स के लिए सवेरे जब ब्रश करता हूं, क्या मैं सोच रहा हूं कि मैं कैसे खड़ा होऊंगा, क्या मैं सोच रहा हूं कि मैं उसको कैसे देखूंगा, मुझे उसको कितनी देर तक देखना चाहिए, अगर फोन आ जाए तो मैं अपोलोजाइज करके कैसे उससे पीछे हटूंगा, 2 सेकंड का टाइम लूंगा, ऑब्जर्व करता रहूंगा, मेरा सेल्स टारगेट मेरी आंख से नहीं निकलना चाहिए। सेल्स एटिकेट्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसके ऊपर मैं सिर्फ आपको छूता हुआ निकल जाऊंगा। ड्रेसिंग सेंस, आपको क्या लगता है कि जापान में अगर कोई प्रॉपर्टी बिकती होगी डॉलर्स की, बिलियन डॉलर्स की, उसको बेचने वाला सेल्समैन क्या करता होगा, कभी सोचिए। मुंबई में अभी एक प्रॉपर्टी, मैं उस एक्ट्रेस का नाम नहीं लूंगा, वो डबल दाम पे खरीदी है, बेचने वाला कोई सेल्समैन होगा, उसका ड्रेसिंग सेंस क्या होगा, मेरा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं ये सेगमेंट $1 trillion का केवल इंडिया में होने वाला है। बॉम्बे का मार्केट अप है 14%, बैंगलोर का मार्केट अप है 9%, मैं बैंगलोर में 8 साल रह के आया हूं, हैदराबाद, चेन्नई, आपको लग रहा है कि NCR का मार्केट डाउन है, ऐसी गलती भी मत करिएगा। जब मैं उस चंदेल डिस्ट्रिक्ट में बाइक चला रहा था मणिपुर में, 8 महीने में वहां काम करके आया हूं, 45 साल का हूं, भरी बारिश में 2 बैग आगे और पीछे रख के 1,00,000 फैमिलीज को अकेला एनरोल करने वाला आदमी मैं हूं, 200 लोगों की टीम क्रिएट करके आया नॉर्थ ईस्ट में, जहां आप जा नहीं सकते, जहां पे अंडरग्राउंड टेररिस्ट हैं, जहां सामने लड़के मुंह पे हाथ रख के गुलेल बना के मारते हैं मुंह पे, मैं वो जिंदगी जीकर आया हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपके हाथ में जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसको मिस मत करिएगा। ड्रेसिंग सेंस हो गया, आप मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मगर मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में से कोई एक हमारा दोस्त सिर्फ ये बताए कि बोलने में मजा आता है या सुनने में। क्लाइंट पर्सपेक्टिव से, क्लाइंट पर्सपेक्टिव से आपका क्लाइंट आपसे बोलना चालू कर दे वो मजेदार बात है, या आप बोलते रहे। क्लाइंट को बुलवाना वंडरफुल, आपका क्लाइंट आपके ऊपर इतना फेथ रखता है कि वो आपसे अपनी बातें कहना चालू कर दे, बताए कि बीवी क्या
एक्सपेक्ट करती है इसी प्रोजेक्ट के लिए। सबसे बड़ी बात है सोशल सिक्योरिटी इस प्रोजेक्ट में, जो बगल में खड़ा है, जितनी भी फैमिलीज आएंगी उसके बगल में एक है, मैं वो सोशल सिक्योरिटी इस वाले बगल वाले प्रोजेक्ट को नहीं दूंगा, मगर आने वाला आदमी जो 20-22 लाख रुपए दे रहा है वो अपने फैमिली के लिए 5-6 लाख रुपए और खर्च नहीं करेगा, जहां उसको सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, 6 लोग मिलने वाले। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको अपने 10 फ्लैट अपने 2 महीने में कैसे निकालने इस बारे में सोचना चालू करना आपका काम है, मेरा नहीं। बॉडी लैंग्वेज बस यही मार देती है इंडियंस को। हमारी इतनी कैजुअल अप्रोच होती है, हम सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे और नोटिस नहीं किया जाएगा। हमें हमेशा नोटिस किया जाता है, स्पेशली जब हम मार्केट में डील करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें मार डालती है। ये वो सेगमेंट है जिसको अगर कभी मौका मिला और मिले तो इतनी डिटेल में बातचीत करेंगे कि आपको अपने अंदर थोड़ा सा कुछ महसूस होगा। लास्ट इज कम्युनिकेशन, इस बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। यहां पे एक वर्ड है, इसको प्लीज इग्नोर मत करिए। यू मैनेजमेंट में आपका क्लाइंट आपको कैसे परसीव करता है, आपके बारे में क्या विचारधारा बनाता है, आपका परसेप्शन मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहली बात है कि आपका अपने बारे में परसेप्शन क्या है, आपके क्लोजेस्ट, आपकी जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, हाउ आर यू डिफाइनिंग योर परसेप्शन अबाउट योरसेल्फ। दिस प्लीज थिंक अबाउट इट। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है एज अ सेल्समैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू वरी अबाउट। अगर मैं मार्केट में निकल रहा हूं और 4 लोगों से मुझे सेवा सलाह हुई और मेरे निकलते ही 2 लोगों ने बोल दिया यार सेल्समैन कुछ बेचता होगा, मुझे नींद नहीं आई। मैं अगर मार्केट से निकल रहा हूं तो लोग मुझे रिस्पेक्ट निगाह से देखें, क्योंकि वो सारा फेथ जो मेरे निकलने के बाद बातचीत होती है दैट डिफाइंस माय प्रॉफिट। मैं सड़क पे निकल के गया और लोगों ने मेरे बारे में उसको इग्नोर कर दिया, destroyed, मेरी कहानी खत्म है। So you have to work on your perception management. अब बहुत अच्छी बातचीत क्या चल रही थी कि हम अपने क्लाइंट को बोले क्या, अगर आपने इस ब्रोशर को ठीक से पढ़ा ही नहीं, अगर इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं उसको आपने आत्मसात नहीं किया, उसको कंठस्त नहीं किया, तो आपने क्लाइंट You have to come prepared tomorrow here. You have to come and sit. इससे पहले कि मैं बेचूंगा बाद में, मेरी प्रोजेक्ट नॉलेज ठीक करिए। I am going to sell it. मैं इसको रात पर बैठ गया करूंगा, मुझे एक दिन में 70-80 हजार रुपए कमाने हैं, किसी और इंडस्ट्री में कोई नहीं कमाता। You tell me, एक फ्लैट बेचते या बात कर रहे हैं थाईलैंड ट्रिप की और 70 हजार की, और आप इस ब्रोशर की प्रोजेक्ट नॉलेज की डेप्थ में नहीं जा रहे, कैसे आप किसी को भी कन्विंस कर देंगे और उसको डिलीवर कैसे करना है। दैट इज स्किल। मजा तो इस बात का है कि जो इसमें है उससे अच्छा आप बोलकर दिखाएं, प्रैक्टिस तो उसी की बात है। आपको क्या लगता है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी ऐसे हो गए थे? साहब मैंने शैडो प्रैक्टिस करी है झांसी स्टेडियम में, ध्यानचंद में, और जब बॉल मोजे में आके टच होती है ना, दैट डिफाइंस योर स्टांस। एक दिन में कुछ नहीं होता। तो प्लीज ये भी कोशिश ना करें कि सेल्समैन आप 1-2 साल में परसेप्शन गलत हो जाएगा, करियर गड़बड़ हो जाएगा, जड़ें हिल जाएंगी और वो जो $1 trillion इंडस्ट्री का आप सेगमेंट है उसमें कहानी खत्म हो जाएगी। आर यू अ टीम प्लेयर? अभी जब सर से मेरी बात हो रही थी, सर से, ही हैज अ टीम, वेरी गुड टीम, बट आप लोग एक दूसरे को अपनी टीम क्यों नहीं बनाते हैं? यहां पे हम लोग अलग अलग अकेला वाले फीलिंग क्यों है? हम लोग एक दूसरे से अपने फोन नंबर शेयर करें, एक दूसरे को क्लाइंट्स दें,
इसी को एक अच्छा सेगमेंट, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए और ये अकेला वाला फीलिंग हटाएं, लेट्स बिकम गुड टीम प्लेयर्स। मजा देखिएगा कितना मजा है कि साहब फोन करके कहें कि यार मेरा एक जानने वाला है, उसको इस प्रोजेक्ट की थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दो। अगर साहब की इंफॉर्मेशन से आप कमाते हैं, सी द ब्यूटी ऑफ सेल्स, मजा जाएगा, आप जीना चालू कर देंगे, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, आपके चार लोग अच्छी बात चालू कर देंगे, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी। प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होती है साहब, बगल में प्रॉपर्टी खड़ी है वैल्यू नहीं है, बगल में प्रॉपर्टी बनी है वैल्यू ही वैल्यू है। सोशल मीडिया प्रेजेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी कम टू इट। मैं जब लागोस जा रहा था 2011 में, 11 फरवरी को मेरी फ्लाइट थी, मैं सिर्फ एक काम करता था, मैं पूरा एयरटेल हब को आईबीएम में चेंज मैनेजमेंट के लिए लेके आ रहा था, 40 एम्प्लॉइज थे, मैं किसी को भी नहीं आता था। मैंने सिर्फ एक काम किया, फेसबुक खोली, सारे एम्प्लॉइज को फेसबुक पे चेक किया, आई हैड नो आइडिया, मुझे उनकी फैमिली का नाम पता चल गया। मैंने सोशल मीडिया का, फेसबुक का पहली बार यूज देखा, डेटा, आज की डेट में पेट्रोल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डेटा, वर्क ऑन दैट डेटा, क्रिएट अ मार्केट वैल्यू फॉर योरसेल्फ बाय नोइंग योर क्लाइंट, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आऊंगा। एंड लास्ट इज पब्लिक रिलेशंस, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग सारे लोग अपना पब्लिक रिलेशन मैनेज कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्लाइंट मैनेजमेंट, ये मैं दिन और रात जीता हूं। मेरा एक क्लाइंट है, कल रात को उसको एक फाइल नहीं मिली, 9 MB की मैंने भेज दी थी, ट्रांसफर नहीं हुई, मैं आपको मेल चेक करके दिखा देख सकते हैं, मैंने 12:30 बजे भेजा, सवेरे उठ के उसने मुझसे कहा कि नहीं आई, मैं सवेरे 5 बजे उठा और 9:30 बजे तक उसको तोड़ तोड़ कर 0.3 MB की जब तक मैंने उसको 25 बार नहीं भेज दी। आई कैन शो यू क्लाइंट मैनेजमेंट, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना is the most important thing in our lives. So client, yahan main zyada lamba nahi khichunga, client is the most important, but usse zyada important aap hai. Client bhagwan nahi hai, humne usko bhagwan bana diya hai kyunki humne uske aur apne beech mein duriyan badha di hai. Aap bhagwan ko kuch dene ja rahe hain to wo bhagwan nahi hai, आप उसको कुछ अच्छा ही देके आ रहे हैं, उसको महसूस होना चाहिए, यस दिस पर्सन इज जेन्युइन, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये मुझसे कमाने नहीं आया है, दैट इज परसेप्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज, इसमें 2-3 चीजें लिख लीजिएगा, इससे पहले आपने करी नहीं होगी, आई एम टेलिंग यू, सोशल स्टेटस मेजरमेंट, आपने किसी को भी प्रॉपर्टी बेचनी चालू कर दी जस्ट बिकॉज आप उसको जानते हो? No, don't touch anybody, be very specific. अगर आपको 2 साल बाद 2022 तक अपने लिए एक सोशल स्टेटस बनाना है NCR region में, as a salesman, and I'm telling you, as a salesman, you are powerful. अपने अंदर वो पावर जनरेट करने के लिए सोशल स्टेटस मेजर करें, किन लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे। ये नहीं करते हैं, आई डोंट थिंक एनीबडी इज डूइंग रेज्यूमे कंस्ट्रक्शन। क्लाइंट का, हम तो अपना जॉब लेने के लिए रेज्यूमे बताते हैं, क्या आप क्लाइंट का रेज्यूमे बनाते हैं? ये कैसे करना है ये हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, मगर क्लाइंट का मैं 3 चीजें बता देता हूं। क्लाइंट के बारे में जब तक उसकी जन्म कुंडली आपके हाथ में ना जाए, बात ना करें। वो बेचारा आपसे कुछ लेने आ रहा है तो वो आपको पूरी अपनी इंफॉर्मेशन देके जाए, अपना एक स्टेटस क्रिएट करें। प्लीज अंडरस्टैंड, सामने वाला कितना पानी में है, सामने वाला कितना पानी में है, जब तक पानी को नाप ना लें, मुंह मत खोलिएगा। फेलियर्स, फेल होना मुझे पसंद नहीं है, मैं तैयारी करके जाता हूं। फील्डिंग सेटअप, बचपन से क्रिकेट खेला है मैंने, क्रिकेट में केवल एक ही चीज मैंने सीखी है, फील्डिंग कहां लगानी है। एज अ सेल्समैन,
अगर आपने फील्डिंग लगाना नहीं सीखा, अगर आपने अपनी कॉल्स को, इंटरव्यूज को, अपॉइंटमेंट्स को टाइम के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से मैनेज करना नहीं सीखा, डील तो क्लोज नहीं हो पाए। फील्डिंग टाइम की है, तब क्या करना है, बस दिमाग यही चलना चाहिए, 6 बजने वाला है। इज दिस शोले में एक वो था डायलॉग, लोहा गरम है मार देता, लोहा गरम करिए, वेट करिए, होल्ड ऑन, बहुत मन करेगा नहीं मार नहीं, होल्ड ऑन। दिस वॉज द राइट मोमेंट व्हेन यू हैड टू स्ट्राइक, ना पहले ना बाद में, प्लानिंग इसी बात की थी कि इस वक्त ये बात उससे करनी थी, यही टाइम था, और उस टाइम को ही मेजर करना सेल्समैनशिप है। कभी भी कुछ भी कर देने से नहीं होता है भाई लोगों, दुनिया हमारे सामने झुकेगी जब हम टाइम को मेजर करना सीख जाएंगे। कब क्या बोलना है यही स्किल है, कब फील्डिंग लगानी है यही स्किल है, सेल्समैन का कोई काम नहीं है। सेल्समैन का काम है सवेरे उठते ही सोचना आज एक निकालना है। प्रोजेक्ट नॉलेज कैसी है, यहां आके बैठिए, अनिल साहब से पूछिए मेरे पास प्रोजेक्ट गैप्स क्या हैं। वो कह रहे हैं कि 25-30 लाख मत बोलिए। अनिल जी बुरा मत मानिएगा, मेरा अपना ये मानना है डॉक्टर गलती कर सकता है, वकील गलती कर सकता है, उसके प्रोफेशन पे कोई काम नहीं होगा। सेल्समैन एक गलती करता है, खत्म हो जाता है, कोशिश करता रह जाता है, मार्केट वैल्यू चली जाती है। आपकी आवाज, आपका फेस, आपकी सोच, आपका लुक, आप क्लाइंट को देखते कैसे हैं, घूरते कितना है, ये सब डिसाइड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल सेल्समैन हैं। लास्ट इज नेगोशिएशन, इन अनदर 10 मिनट्स आई विल वाइंड अप, और ये वो सेगमेंट है जिसमें मैं आपका ध्यान दूंगा। नेगोशिएशन प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने पहली स्लाइड को याद रखा है तो उसको याद रखिएगा। मैं चाहूंगा कि इसकी सेकंड वाले सेगमेंट को कोई मुझे समझा दे, वो जो द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन है, क्या उस पर कोई प्रकाश डालेगा। इस सिंबल से ये जो दो पत्थर बैलेंस्ड हैं, इससे आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। बैलेंस है, बैलेंस करना है, महसूस करिए अपनी किसी सेल्स डील को, महसूस करिए आपने बैलेंस कैसे किया था। वो आपका एक्सपीरियंस है, मजा आ जाएगा। ये बैलेंसिंग एक्ट है जो मैं नेक्स्ट 3 और 4 स्लाइड्स में आपके साथ डील करना चाहूंगा। नेक्स्ट प्लीज, ये कैसे होता है इनको रख लीजिएगा। मैं ज्यादा तो कुछ देके नहीं जा पा रहा हूं आज, फिर कभी मिलना हुआ तो गहराई में उतरेंगे, और भगवान ने चाहा तो मिलेंगे, मगर ये याद कर लीजिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए। कोई बोलेगा क्या लिखा। मेरे ख्याल से अपनी जो मेरा जो टारगेट है इस मंथ का, वो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, मेरे पॉकेट में कितने पैसे आने वाले हैं इस महीने। कोई और कुछ प्रकाश करेगा इस साइड से। आपने कुछ गोल सोच रखे हो मार्च के लिए, अगर थाईलैंड की ट्रिप आपके टारगेट में नहीं है तो मुझे लगता है कि आपने प्लानिंग चालू नहीं करी है। और मैं बिल्कुल भी थाईलैंड की ट्रिप को प्रमोट करने नहीं आया हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। सेट योर गोल्स इन एडवांस। आप लोगों ने 2019 के गोल्स बना लिए, जब नया साल आ रहा था तो आपने सोच लिया था कि इस साल मुझे कितना, मेरा क्लोजर स्टेटमेंट क्या रहेगा, कहीं लिखा था कि इस साल मैं इतना तो निपटा ही दूंगा, मैं साफ हिंदी में बात करूंगा, कहीं लिखा था, खुद से बातचीत करी थी, बैठ के एक लगा के सोचा था यार कितना कर लूंगा इस बार, नहीं सोचा। प्लीज सेट योर गोल्स इन एडवांस।
Please start setting your goals in every stage. Time आ गया है, फिर से बोल रहा हूँ, 2030 तक Indian economy is going to be the second largest, youngest economy in the world. And we are going to be a part of it. अगले 10 साल हमारे खेलने के लिए और कमाने के लिए बहुत ज्यादा हैं। हम तो उससे पहले ही अचीव कर लेंगे। मैं आज आपके साथ हूं, कल किसी और के साथ होऊंगा। मुझे तो बस ये अचीव करना है कि उस $1 trillion में से मेरे कितने हाथ में आने वाले हैं। मैं अपना शेयर नहीं जाने दूंगा। क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव समझिए। हो सकता है क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव में सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न, जो इस साइड नहीं है, इस साइड है। हो सकता है उसको अपने बच्चे के लिए छोटा सा स्विमिंग पूल चाहिए, जहां पे वो सिक्योर हो। उसने अपने बच्चे के लिए सिर्फ ये सोच रखा हो कि वो सेफ रहेगा, अच्छे लोगों के बीच में रहेगा, जो मुझे इस प्रोजेक्ट में दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ उससे उसकी रिक्वायरमेंट, उसका पर्सपेक्टिव समझ लूं। मैं कल से इस प्रोजेक्ट को बेचना चालू कर दूंगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दूसरे आदमी के जूते को पहन के तो देखिए साहब, उसका दर्द कहां पर है, उस नब्ज को तो टटोलिए। यहां ये है तुरुक्का। अगर ये गलत चल दिया, जो अनिल जी कह रहे थे उस पर जरा गौर से ध्यान से दीजिएगा। उन्होंने आपसे कुछ खास बातें बोली, कुछ चीजें कहनी है और कहां कहनी है। हम लोग को बहुत शौक होता है इंफॉर्मेशन देने का। इंडियंस की एक ही दिक्कत है, अपने पूरे घर के बारे में पूरी कहानी बता देंगे। एक अंग्रेज से, काले से आप बात करके देखिए, या एक ब्राउन से, ओरिएंटल से, चाइनीज से, वो अपनी पर्सनल बात नहीं बताएगा। हम खुली किताब खोल के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वाई हम ओपन माइंडेड है। वही चीज हमारे जब बिजनेस में आ जाती है तब गड़बड़ हो जाती है। आपको निगोशिएट कहां करना है, आपको डील क्लोज कहां करनी है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। वो तो आपने उसके घर में बैठ के कर ली, आपने तो उसके पाले में जाके कबड्डी कबड्डी बोला ना, वहां तो वो आपको पकड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जरूरत उसकी है, आप तो एक कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट का काम होता है, वो होता है उत्प्रेरक। और वो मकान तो खरीदेगा ही खरीदेगा, प्रॉपर्टी तो उसे खरीदनी है। आप वो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं जो उस प्रोसेस में रेट ऑफ बाइंग, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देंगे। एंड दैट, आप कुछ मत करिएगा आज, आप कैटलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। अ सेल्समैन इज अ कैटलिस्ट हु पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। चुपचाप आता है, प्रोसेस को फासन अप करता है, निकल जाता है। अपना परसेप्शन चेंज नहीं करता, खुद को चेंज नहीं करता, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू उस प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा है, उस एक फ्लैट से बहुत ज्यादा है, क्योंकि जहां वो रह रहा है। 10 लोग बोलेंगे, भाई साहब अगर कोई डील करनी है ना, इनसे करिएगा। दैट इज वर्ड ऑफ माउथ। आप एक ब्रांड है, ब्रांड आप अपनी ब्रांड वैल्यू कैसे कम कर सकते हैं? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर यू आर निगोशिएटिंग। निगोशिएशन यहां होना चाहिए जहां प्रोजेक्ट प्रोडक्ट तैयार है, थोड़ा कप मारना है, ये सोचना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैंने 3 बातें अभी तक कही है, उसका मैं रिकैपिटुलेट कर दूं। पहला था सेट योर गोल्स इन एडवांस, अंडरस्टैंड द अदर मैन्स पर्सपेक्टिव, उसके जूते में कहां दर्द हो रहा है उसको पहचान लिया, आप देख कर जाएं। निगोशिएट कहां करना है ये आपने प्लान कर लिया आज रात को सोते हुए, आप देख कर जाएंगे। क्लाइंट मैनेजमेंट पे काम करिए साहब, पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अब, आप जब खुद को शीशे में देखेंगे काम चालू हो जाना चाहिए। दिस इज गोइंग टू मेक और ब्रेक योर पीस। शाहरुख खान नहीं बनना,
उस बेचारे ने अपना कद क्या कब छोटा किया, जीरो हो गया। कॉम्प्रोमाइज मत करिए। द बिगेस्ट बादशाह ऑफ बॉलीवुड फेल्ड, इट वॉज अ वंडरफुल मूवी। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उसका करियर डिस्ट्रॉय। आप समझ रहे हैं? आपको स्टडी करना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट क्यों फेल होता है, लोग कहां जाके एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। सो दिस इज योर बॉडी, आई कांट डू एनीथिंग इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बॉडी। अगर आप किसी डील के वक्त पूरी तरह से चौकन्ने नहीं है, आंखें ठीक से खुली हुई नहीं है, कान से ठीक से सुन नहीं रहे हैं, उसकी बात जो उसने नहीं कही उसको आपने ध्यान नहीं दिया, आप कहीं और अपने फोन में व्यस्त हो गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये भी कहती है कि आपको कब फोन बाहर निकालना है। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिक्ट नो नो आपको अपना फोन कैसे यूज करना है क्लाइंट के सामने, ये सिर्फ एक औजार है, जबरदस्ती मत इसको यूज करिए। हाउ इज द जोश। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई विल वॉक अवे, दिस इज माय लास्ट सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि हर एक डील आप क्लोज करेंगे। यू मस्ट नो व्हेन टू वॉक अवे। नहीं करनी मुझे ठीक, मैं अपनी मार्केट वैल्यू नहीं खत्म करूंगा, मैं $1 trillion में से अपना शेयर नहीं कम करूंगा, तुम्हारे साथ ही डील करने आऊंगा जब मैं तैयार हूं। आज बात नहीं बन रही, जबरदस्ती नहीं, नहीं सर आज आप आ जाइए ना प्लीज, नहीं सर प्लीज सर मैं आ जाता हूं, व्हाई प्लीज, व्हाई सर, ही इज योर कस्टमर, treat him as like customer, don't make him a god. Sir, आप आ रहे हैं क्या सर? हाँ सर, मैं करता हूँ सर. No, you are equal. दोनों पत्थर बराबरी पे थे. Art of negotiation is win-win. उस पत्थर को मत भूलिएगा. ये मत सोचिएगा कि पूरे क्लाइंट का आप ही नीचे लेके बजट बैठ गए. No, sir, we will talk. If you are busy, let's plan it somewhere, plan it at your convenience. जब आप convenient होंगे तब बात करेंगे। इतना कह के तो देखिए, वो बंदा 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 साल बाद आएगा आपके पास आएगा। उसको ये छोड़ के आइए। We will talk sir at time and location whenever you are comfortable. ऐसी बात उससे किसी ने बोली नहीं होगी। आपके लिए respect बढ़ जाएगा। सेल्स का तरीका एनहेंस कर लीजिए साहब। मौका आ गया है कि आप आज से अपने बारे में सोचना चालू कर दें। अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। माय ओनली इंटेंट वॉज कि हम अपने परसेप्शन को थोड़ा चेंज कर लें। इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। अगर आज मैं भी यहाँ पे होता और मुझे मौका होता तो मैं अगले 6 महीने में 10 फ्लैट पक्का भेज देता। बाय दिस आई विल कंक्लूड। थैंक यू सो मच। Thank you so much. मैं चाहूंगा एक बार ताली हम थोड़ा खड़े होकर बजा लें जेपी सर के लिए। Thank you. चेंज कर लीजिएगा। अगर 30 लाख की है तो 25 मत आइएगा। बड़ी मुश्किल से 29 पे आइएगा, बड़ी मुश्किल से 28 पे आइएगा। और नेगोशिएशन करने का मतलब ये नहीं कि मैं 5 कम करा दूंगा। सोच बदल लीजिएगा। 30 का है, एक एक आना सही दाम लगा है, सही कंस्ट्रक्शन हुआ है, प्रॉपर्टी फॉर वैल्यू है, मतलब आपको सही दाम मिल रहा है। कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। आप समझ रहे हैं?
इसको बेचने के लिए और जल्दी से जल्दी प्लानिंग कर लीजिएगा। मैं चाहूंगा बहुत जल्दी कि मैं आपसे दोबारा मिलूं। अगर आप लोग नहीं बेच पा रहे होंगे तो मैं दोबारा आऊंगा एंड ट्रस्ट मी, वो किस तरह से प्रोफाइलिंग करनी है, किस तरह से रेज्यूमे कंस्ट्रक्शन करना है, कहाँ 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 क्लाइंट आपका बैठा हुआ है, कितने किलोमीटर दूर है, यहीं बैठकर मैं यहाँ बेच के दिखाऊंगा आपको, बट उसके लिए वेट करूंगा। आई थिंक कंक्लूड नाउ और एक बहुत हाई जोक्स के साथ नोट के साथ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं अपना सेशन। थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच। कुछ और आप कहना चाहें तो प्लीज। थैंक यू सो मच। आई थिंक हम लोग बाकी चीज़ों पे डिटेल पे डिस्कशन करेंगे और डिनर के लिए भी लेट हो रहा है, तो और कुछ भी और कुछ क्वेरी है तो डेफिनेटली कैन टॉक हियर और मे बी वन टू वन हम लोग बात कर सकते हैं। बाकी बस आप लोगों को कहना चाहूँगा कि प्रॉप एनालिस्ट के नाम से यूट्यूब पे हमारा चैनल है, उसमें हमारे पैनल पे कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, जैसे लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं, फिर आपके रेरा एक्सपर्ट्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको कभी भी किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनिल जी के पास हमारा नंबर है, आपको रेरा से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, टेक्निकल कोई भी आपको डाउट हो, लीगल कोई भी डाउट हो, कोई भी असिस्टेंस चाहिए आपको, कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए आपको रियल स्टेट में, तो हमारा नंबर आपके पास है, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और चैनल पे हमारे कई सारे वीडियोस हैं, आप उसको भी अगर देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको सीखने समझने को मिलेंगी। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि भिवाड़ी अपने में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जगह के अंदर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर हम कोई वीडियो बनाए, ठीक है, इसके आस्पेक्ट जो पोटेंशियल है उसको बाहर लेके आए और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए ताकि आप ही अपने क्लाइंट्स तक उस चीज़ को शेयर कर सकें, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम इसकी पूरी रिसर्च करेंगे, ड्यू डिलीजेंस करेंगे और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, कैसे कैसे इसकी कनेक्टिविटी है, क्या यहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट है, उस सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग पूरी रेखी करके वीडियो बनाएंगे और फर्दर फिर आप लोगों को देंगे ताकि आप लोग अपने क्लाइंट से शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच आप लोग, आप यहाँ पर आए, थैंक यू अनिल जी, आपने टाइम दिया हम लोगों को, हम आगे भी मिलेंगे आप लोगों से, थैंक यू वेरी मच।